साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में याची कैसे बनेंगे, कब बनेंगे और किसके साथ जुड़ेंगे, संपूर्ण जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे और कुछ आपके जो प्रश्न हैं महत्वपूर्ण उन प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले प्रदेश के समस्त अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम और इसके बाद जितने भी हमारे भाई बहन हैं सभी को जो है शुभ संध्या। हालांकि अभी तो शाम नहीं हुई, बस होने वाली है, तो ये वीडियो हो सकता है आपको मिलते मिलते थोड़ी सी लेट हो। तो फटाफट चल कर लेते हैं चर्चा। सबसे पहली चीज़ सुप्रीम कोर्ट याची को लेकर के, जिसके लिए आपके निरंतर कॉल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। ऋषभ जी को फ़ोन जा रहे हैं, राम जी को जा रहे हैं, विकास जी को निरंतर फ़ोन कॉल्स आप लोग कर रहे हैं। उन सारी सवालों के जवाब मैं आप सभी को फटाफट देता हूँ। सबसे पहले तो याची कैसे बने। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे और ग्रुपों में एक नहीं दो नहीं आपको 10 ग्रुप 12 ग्रुप आप स्वयं 15 से 20 ग्रुपों में जुड़ चुके होंगे। मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे उठा उठा के जोड़ लिया गया है, ठीक है। अब जो ग्रुपें बनी हैं और जो लोग आए हैं, अब जरा आपने विवेक से सोचिए ये अब तक थे कहाँ, जो आज दावा ठोक रहे हैं कि हम इन अधिवक्ता को लाएंगे, जो दावा ठोक रहे हैं हमको उनको लाएंगे, जो दावा ठोक रहे हैं हम उनको लाएंगे। बस एक सवाल मेरा है कि वो अब तक थे कहाँ, अभी तक कहाँ थे। आज केस इतने दिनों से चल रहा है, पूरे प्रदेश में मात्र एक टीम ऋषभ मिश्रा जो सिंगल बेंच से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की सफ़र को तय करके आई, तो ये बीच में थे कहाँ। मैंने बार बार लोगों से कहा कि आप लोग हैं कहाँ, और टीम वालों से भी मैंने संपर्क किया, मैंने कहा आप कहाँ हैं, आप आएँ साथ और सहयोग करें। लेकिन नहीं, आज फिर से जब माननीय सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे चलना है तो लोगों ने अपनी दुकान खोल करके ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ खरीदने बैठ गए हैं। तो मैं बस इतना कहूँगा कि हमारे प्रदेश के जितने भी भाई बहन हैं सब आप जागरूक हैं, जानकार हैं, आपके पास नॉलेज है, आपको जुड़ना कहाँ है, कैसे बनना है, आप कहीं भी बने। मैंने ये नहीं पार्टिकुलर कहा कि आप हमसे जुड़ जाओ, मैं बस इतना कहूँगा आप जुड़ना वहीं जो आपके फ़ोन उठाएँ, जो आपके जो आपको जवाब दें और जो आपके बीच में 24 घंटे उपलब्ध रहें, जो आपको हमेशा जवाब दे सकें, जो आपके साथ लखनऊ हो, प्रयागराज हो या फिर कहीं भी हो, आपके साथ खड़े मिले, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो या किसी भी कार्य किसी भी स्तर पे कार्य हो, वो आपको साथ खड़े मिले, आप उनसे जुड़िएगा। बस इतनी सी मेरी बात है, बाकी आपको कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें आप खुद ही समझ जाएंगे। अब बात करते हैं अपनी बात की, हमारी टीम द्वारा याची प्रक्रिया कोई क्या स्थिति है। भाई याची बना लेना बड़ी बात नहीं, मैं पिछले बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहा हूँ, मैं पोस्ट जारी कर दूं, मैं अकाउंट नंबर जारी कर दूं, मैं लोगों को डॉक्यूमेंट्स मांग लूं और पता चला मैंने अपनी तैयारी नहीं करी, मेरी दिमाग में बताना, लोग अगर याची बनाने में समय व्यतीत करेंगे, ठीक है, जो अभी समय मिला है, तो ये तैयारी कब करेंगे। आप अपने विवेक से सोचना कि लोग अभी याची बनाना शुरू करेंगे तो उनके पास तमाम फ़ोन आएंगे, तमाम PDFs आएंगे, उनको जोड़ना होगा, उनको बनाना होगा, अगर वो ये काम करेंगे फिर तैयारी कब करेंगे। तो उनका काम सिर्फ और ये है कि आपको आपकी ID ले लेना, आपको याची बनाना है, आपको जोड़ देना, फिर गायब हो जाना, ठीक है। अब हमारे स्तर पे अगर मेरा प्रयास है तो मेरा प्रयास है पहले कि हम तैयारी कर लें। हमारे द्वारा लगातार डॉक्टर माननीय LP मिश्रा साहब और उनके साथ माननीय अमित कुमार सिंह भदौरिया साहब और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम अधिवक्ता जो भी हैं सबके साथ जो कंटिन्यू जो है बातें चल रही हैं कि हमें किस प्रकार से आगे कार्य करना है, क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से तोड़ निकालने हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऋषभ जी भी कंटिन्यू ग्रुप में बता रहे हैं कि हम तैयारियों को किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं। क्योंकि जहां आप जा रहे हैं लड़ने ना, वो अंतिम पावदान है, वहां से फिसलने के बाद आपको खड़ा होने का मौका नहीं मिलेगा भाई। बस इतना कहूँगा कि जो अभी से उत्सुकता में आ गए हैं, जोश में आ करके होश खो चुके हैं और शुरू कर दिए फिर से अपनी वही पुरानी रवैया, कमियाची बना लेना है, हमें लोगों को जोड़ देना है, फिर हमें गायब हो जाना है, तो ऐसे बरसाती मेडिकों से आप हो जाइए समझदार और पूरी तरह से सजग। ये मैं पूरी तरह से खुल के बोल रहा हूँ इस मंच पे, क्योंकि लोगों को गुमराह करना बड़ा आसान होता है और लोग गुमराह इसलिए हो जाते हैं ना क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारा भविष्य इनसे जुड़ा है। तो मैं सब अभिभावकों से बस इतना कहूँगा कि आज सैटरडे है, कल संडे है, दो दिन कोर्ट का कोई भी कार्य नहीं होगा, इन दो दिनों में हम सिर्फ और सिर्फ लगातार अपनी तैयारी करेंगे। लगातार तैयारी का मतलब हर एक पॉइंट को नोट करना, उनके काट निकालना, उन्हें हम कैसे जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय न्यायाधीश के सम्मुख बातों को प्रस्तुत करेंगे। और इस सैटरडे और संडे के बाद मंडे जो आएगा आपका,
उसमें हम आपको जोड़ने की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। एक या दो दिन, हमने आपको कल भी बताया था और आज भी बताया, मुझे आज और कल का समय आप दें, क्योंकि जो भी कोर्ट की कार्रवाई है वो मंडे से शुरू होंगी। तो सारी चीज़ें जो है हम आपको स्पष्ट कर देंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे, बाद में आप हमसे कहेंगे तो उसके भुक्तभोगी आप स्वयं होंगे। क्योंकि इसके पहले याद होगा एक समय था जब सुप्रीम कोर्ट जाया गया था तो कुछ लोग बहुत पहले ही पहुंच गए थे, बाद में जल्दबाजी में पहुंच गए, इसके बाद खारिज हुआ, वापस आए, बाद में हम अपने ग्राउंड के साथ गए और बेहतर ग्राउंड के साथ हम रिवर्ट बैक होकर के आए और आज उसी का नतीजा है कि आप एक नंबर से सिलेक्टेड लोग, एक हमारा परिवार जो है चयनित हुआ है। तो बस इतनी ही बात मैं आपको समझाऊंगा। अब मुझे पता होगा कि आप समझ गए होंगे कि आपको कैसी याचिका में जुड़ना है, कहाँ जुड़ना है, जहाँ आप सेफ रहें, जहाँ आप सुरक्षित रहें, जहाँ आपकी याचिका बची रहे और जल्दबाजी में फिर वही पुराना किस्सा ना दोहराया जाए और बाद में आप कहीं के भी ना रहे, कहीं जुड़ने लायक भी ना रहें। बस इतनी बात कहूँगा। तो तैयारियों को पहले मद्देनज़र और प्राथमिकता आपको इसे देनी है और माननीय सरकार के भी आपके उनके अगले कदम को भी ध्यान में रखना है कि सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है। जो आदेश आया जिसको आप हल्के में ले रहे हैं, आप हल्के में ना लें, वो आदेश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपको देखना है और पॉइंट करना है। तो माननीय सरकार का भी अगला कदम आपको मद्देनज़र और उसको देख करके ही काम करना है। अब मैं बात करता हूँ इन दो दिनों के बाद आपको जो भी जोड़ने की प्रक्रिया वो तो शुरू होगी। अब नए याची जो परेशान है, जो कहीं भी याची नहीं है, मैं उनसे चिल्ला के यहीं मंच पे बोला था कि भाई आप लोग जुड़ जाए, जो नहीं जुड़े हैं तो नहीं जुड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब आपके पाले से गेंद निकल चुकी है। बस इतना कहूँगा, बाकी ऐसी कोई स्थिति होगी भविष्य में तो मैं उस पर चर्चा करूँगा। बाकी जो फ्रेश लोग हैं अभी वो कहीं नहीं जुड़ पाएंगे, इतनी बात। बाकी अब मेरी याचिकाओं की बात करता हूँ, जितने भी टीम ऋषभ मिश्रा द्वारा याचिका डाली गई है लखनऊ बेंच में, उन तमाम याचिकाएं, चाहे आगस्त अग्निहोत्री की हो और जो भी चीज़ें जिनके भी नाम मुझे सारे याद नहीं क्योंकि बहुत सारी SLP पड़ी हैं, तो बस इतना कहूँगा कि सब पे आपको यह आदेश फॉलो कराया जाएगा और सबको उसका लाभ मिलेगा, कोई भी याचिका छूटेगी नहीं, कोई भी साथी हमारा छूटेगा नहीं। आशा करते हैं ये शब्दों से आपको थोड़ी सी जो है संतुष्टि मिली होगी कि हाँ हम सेफ हैं। मैं कल भी कहा था आप सेफ हैं, आज भी मैं कहता हूँ आप सेफ हैं और हमेशा आप सेफ हैं। हमारे द्वारा जितनी भी डाली गई याचिकाएं सब पे आपको लाभ मिलेगा, ये टीम आपको आश्वस्त कर रही है पूरी तरह से। बाकी अभी भी जिसके मन में डाउट चल रहा है उनको मैं फिर से कह रहा हूँ, आप इस डाउट को दिमाग से निकालिए और इस बात को लेकर के आप फोन कॉल्स ना करें कि हमें लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप याची हैं, आप हमारे द्वारा याची बने तो आपको लाभ मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। बाकी याची प्रक्रिया करें हमने आपको बता दिया, आपको करना है 2 से 3 दिन का वेट, मैं उसमें आपको सारी प्रक्रियाएं बता दूंगा। और अंत में फिर पुनः कहूंगा, उन मेढकों से बच के रहना जो आज निकल के आए हैं, और एक नहीं इतने ग्रुप बने, आपने देखा होगा, आप ऐड भी हो गए होंगे, आपको लिंक मिला होगा, आपको जुड़ गए होंगे, आपको गुमराह कर रहे होंगे कि हमें इतनी याची दे दो हम इन अधिवक्ता को लाओगे, हमें इतनी याची दे दो हम इन अधिवक्ता को लाएंगे, हमारी ब्रीफिंग यहाँ चल रही है, हमने इनसे बात कर ली है, बस एक शब्द उनसे पूछ लेना आप अब तक कर क्या रहे थे और थे कहाँ जब ये याचिका पड़ी थी, लोग लड़ रहे थे हम लोगों से, हाथ जोड़ जोड़ के मैं बुलाया हूँ इसी मंच से लोगों को, हाथ जोड़ा है मैंने लेकिन नहीं, किसी ने साथ नहीं दिया है। और आज लोग फिर आ गए हैं कि लोगों को जोड़ेंगे, याची बनाएंगे और फिर गायब हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब और बाकी हम नहीं रहेंगे, ठीक है, यही करेंगे लोग, आएंगे बनाएंगे फिर गायब। इसलिए मैं सभी प्रदेश के अभिभावकों से, जिन जो हमसे जुड़े हैं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और फ़ोन कॉल से जुड़े हैं, उनसे बस इतना कहूँगा, आप समझदार हैं, आपको पता है क्या करना है, आपको कैसे जुड़ना है, ठीक है। बाकी आप कहीं भी जुड़े, या आपकी इच्छा है आप किसी के साथ जुड़ जाओ जिस पे आपको भरोसा है, ठीक है, लेकिन बस सारी चीज़ें परख करके देख करके जुड़िएगा, जो आपके साथ जुड़े रहे आपके बीच में उपस्थित रहें, ठीक। बाकी ये आपका प्लेटफॉर्म जिसको आपने बनाया है, जो आपका है, इस पे हमेशा मैं आपको मिलता रहूँगा, परिस्थितियाँ कुछ भी होंगी, हार हो या जीत साथ में इंजॉय करेंगे। अभी जीत को हमने साथ में इंजॉय किया, हमने हार को भी साथ में इंजॉय किया है और हम आगे भी, हमारे साथ जो भी भविष्य में होगा, हार या जीत जो भी चीज़ें आएंगी, हम खुल के एक परिवार की तरह साथ में बैठ के उसको झेल लेंगे। अगर झेलने वाली चीज़ें हैं, इंजॉय करने वाली चीज़ें हैं, तो इंजॉय करके जियेंगे। और जो साथी आज सेलेक्ट हो रहे हैं, जो चयनित हो रहे हैं, उनसे मेरा बस एक अनुरोध है कि आपके साथ आपके और भी भाई बहन ऐसे हैं जो अभी रुके हैं, आप उनको भी देखिएगा,
उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलिएगा, क्योंकि अगर आप बदल जाएंगे ना तो फिर विश्वास उठ जाएगा लोगों का। हमारे साथ राम मिश्रा जी हैं, विकास जी हैं, जिन्होंने आज भी टीम के, उनका चयन होगा, उनका भी एक नंबर कम था लेकिन उन्होंने अभी साथ नहीं छोड़ा। आपके फ़ोन्स कॉल उठा रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो भाई ऐसे हैं जो ज़मीन से जुड़े हैं, जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने देखा है क्या दौर रहा है। तो बस इतना कहूँगा कि आप अपने वक्त को, अपने समय को मत भूलिएगा और अपने परिवार के साथ जैसे आप तक बन के रहे हैं टीम ऋषभ मिश्रा के साथ और टीम ऋषभ मिश्रा का एक अंग मान के चले हो तो आगे आप चयनित होंगे, तो भी आप हमारा हिस्सा हैं, या अगर आप चाहेंगे तो, और आप नहीं चाहेंगे तो आपको हम ज़बरदस्ती नहीं बुला सकते, आपको हम ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। बस इतना कहेंगे, परिवार थे आप लोग और परिवार रहेंगे, ऋषभ मिश्रा, राम मिश्रा, विकास जी, ठीक है, हम एक परिवार थे और उसी के साथ जो और भी हमारे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबके नाम भी मुझे नहीं याद रहेंगे, हम इतने लिस्ट बोलेंगे तो कई घंटे बीत जाएंगे, ठीक है। तो बस इतना कहूँगा, राम मिश्रा जी हैं, विकास जी हैं, जैसे आज जुड़े हैं, उनका चयन होने के बाद भी आज वो आपके फ़ोन कॉल्स और आपके साथ जुड़े हैं, तो बस इतना कहूँगा, आप जितने भी साथी चयन होंगे वो टीम का साथ देंगे, अपने भाइयों का साथ देंगे, अपने छोटे बड़े जो भी लोग साथ में जुड़े हैं एक परिवार एक ग्रुप में, लोगों को बताना समझाना जो आप पहले करते थे वो आज भी आप करेंगे, और ये प्रक्रिया हमेशा मेरी चलती रहेगी, आपकी चलती रहनी चाहिए, बस इतना कहूँगा। बाकी माननीय अधिवक्ता महोदय से हमेशा जो है बराबर कॉन्फ्रेंसिंग पे जो है टीम जुड़ी है, ऋषभ जी स्वयं इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से जो है देख रहे हैं और बाकी आप लोगों को जवाब भी दे रहे हैं ग्रुप में समय समय पर, और जो भी वैसी चीज़ें हैं वो मैं आपको स्वयं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, तो हर चीज़ें आपके बीच में हैं। तो मैं मिलूँगा फिर से आपको, जो भी आपके सवाल हों आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं सबके जवाब दे दूँगा। तो मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।